हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो गए बच्चों। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली किसी ना किसी लाइफ के टंटे में फंसे हुए हैं। कोई किसी रिलेशनशिप में फंसा हुआ है, कोई फैमिली के डिस्प्यूट्स में फंसा हुआ है, कोई हेयर फॉल में फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की लाइफ में कोई इतने सालों से एग्जीक्यूटिव में ही फंसा हुआ है, कोई बहुत सारे समय से प्रोफेशनल में ही फंसा हुआ है, और कहीं ना कहीं एक ऐसा लग रहा है कि यार जिंदगी का कुछ होगा नहीं होगा, हम जीवन में कुछ बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। और बहुत सारा सोचने में, बहुत सारा इस प्रकार के विचार लाने में हम अपना वक्त लगा रहे हैं, गंवा रहे हैं, ये नहीं पता मुझे, बट कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ने हमको चारों तरफ से घेर के रखा है बच्चों। ठीक है बच्चों, एक प्रॉब्लम जिसका हम सब बहुत ज़्यादा फेस करते हैं कि फैमिली में किसी ना किसी प्रकार के झगड़े होते हैं, और बहुत सारे बच्चे मैसेज भी करते हैं कि सर घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्या करूँ? और मेरा रिप्लाई एक ही होता है, बेटा प्लीज़ गोल अपनी अपना करियर का गोल रखिए। फैमिली में डिस्प्यूट है, डेफिनेटली देर आर डिस्प्यूट्स, आप सुबह 3 बजे उठ के पढ़ाई कर लीजिए, 3 से 7 पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं आप उनको रिजॉल्व करने का कोशिश कीजिए, या फिर जो कोशिश आप कर सकते हैं कीजिए। बट अगेन, फैमिली डिस्प्यूट्स के चलते अगर आपने अपने करियर को इग्नोर किया, अपने करियर को छोड़ दिया, तो याद रखना इस चीज़ का मलाल आपको ज़िंदगी भर रहेगा। एक बार आप CS कर रहे हैं, ये सही एज है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक रादर सही है जे। 25 के बाद बच्चों माँ बाप आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि यार पढ़ाई करते हो कि नहीं करते। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं उन बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि अगर 25 की एज हो गई है और आपने अभी तक CS एग्जीक्यूटिव या फाइनल CS में कोई आउटकम नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप CS मत छोड़िए। कोई पार्ट टाइम जॉब, 5 घंटे का, 6 घंटे का, 8 घंटे का भी जॉब कर लो यार, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है कई बार, तो 2-3 घंटे आप सिंसियरली अगर घर पे पढ़ाई करो जॉब के बाद, बट मेक श्योर कि वो 8 घंटे आपके ट्रैवल वेवल के टाइम को इंक्लूड करके हो। करते रहो यार, छोड़ो मत। गोल आपकी लाइफ में आपका गोल सबसे ऊपर होना चाहिए बच्चों। रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट से मैं मिला, एंड दिस मैन फ्रॉम ऑल द सारी प्रॉब्लम्स थी लाइफ में इनके भी, और आज की तारीख में दिस मैन इज़ अ CS इन बजाज, बजाज कंपनी में ये CS है। तो बच्चों अगेन, एज अ टीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जब आपके घर पे ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस समय ना थोड़ा सा सेल्फिश बनना अच्छा होता है, थोड़ा सा मतलब अपने बारे में सोचना अच्छा होता है कि यार अगर मैं CS कर लूँ, अगर मैं ये कोर्स कंप्लीट कर लूँ, तो यार मैं कुछ तो बन जाता हूँ बच्चों। आपने देखा होगा कि कई टाइप के जॉब्स होते हैं जहाँ पे आपके डिग्निटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाता है। आप कॉल सेंटर में, मैंने काम किया है बच्चों, अरे हराम खोर, उसके बाद भो, माँ, मैंने ऐसी ऐसी गालियाँ खाई हैं बच्चों कॉल सेंटर में। क्यों? क्योंकि मैं जब जिनको कॉल करता था वो इंग्लिश में रिप्लाई करते थे, अमेरिका में मेरा अमेरिकन प्रोसेस था, तो मैं उनको एक्चुअली में उनकी बात मुझे समझ में नहीं आती, तो मेरे जो बॉसेस होते थे, जो मेरे टीम लीडर्स होते थे, वो मुझे गालियाँ देते थे, और मुझे नहीं, लड़कियों तक को नहीं छोड़ते थे, वो लड़कियों को गालियाँ देते थे, अजीब अजीब से सेक्सुअल रिमार्क्स देते थे बच्चों। तो वो लड़कियाँ जो भी हैं, और मैं, हम सब जो अग्रीव लोग हैं जिनकी इंग्लिश कमज़ोर थी, वो सब दुखी होकर बैठ रहे थे कि यार लाइफ में कर क्या रहे हम लोग। मेरा CS का रिजल्ट अवेटेड था, इसलिए मैं वहाँ पर था, और बच्चों बिलीव कीजिए, मैं वहाँ पर CS एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया, और मैंने कसम खाई कि मैं बस अब CS करके ही रहूँगा यार, मुझे ना इस लेवल पे जाना है ना कि गाली तो कम से कम कोई अच्छी दे यार, मतलब कोई अच्छा पहुंचा हुआ आदमी दे कि यार जैसे कि सुधाकर सर गाली दें, या कोई भी बड़ा आदमी गाली दे, गाली मतलब समझाए, क्योंकि जो आदमी इतना पढ़ लिख जाता है वो कॉर्पोरेट्स में आपको ऐसी गालियां नहीं पड़ती बच्चों। आत्म स्वाभिमान के लिए पढ़ाई कीजिए बच्चों, और सेल्फिश बन जाइए बच्चों। फैमिली में डिस्प्यूट्स हैं, आप 3 से 7, 4, 5 घंटे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, आपकी एज हो गई है, आप जॉब के साथ पढ़ाई कीजिए, बट मेरा यकीन मानिए प्लीज़ आप पढ़ना मत छोड़िए, सेल्फिश बन जाइए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। और मैं माँ बाप से दगा करने को नहीं बोल रहा हूँ आपको, आप क्योंकि CS बन जाएंगे बच्चों, क्या नहीं से आप बच्चों घर पे पैसे आते हैं ना, तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बस अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर रखिए, और याद रखिए मुझे कुछ नहीं से कुछ तो बनना है यार, कुछ तो बनना है। DIR 12 जब कंपनी फाइल करे KMP का, तो उसमें मेरा नाम होना चाहिए, और लग जाइए बच्चों मेहनत करने। कुछ बन गए तो ज़िंदगी बहुत छोटी लगती है, मतलब इतना
ऐश करते हो कि तुम, लगता है कि यार टाइम यूँ निकल गया, कुछ नहीं बन पाते, तो एक एक घंटा बहुत मुश्किल से आता है। वो जॉब जो आपके मन की नहीं है, आपकी इच्छा के अगेंस्ट है, अगर आप उस जॉब पे जाओ, मेरा भी यकीन मानिए, एक मिनट भी उस जॉब में बहुत मुश्किल होगा। पूछिए उन लोगों से जो जोमेटो में काम कर रहे हैं या फिर कुछ तो मजबूरी में कोई काम कर रहे हैं, हाउ डिफ़िकल्ट फॉर देम दैट दैट पर्टिकुलर जॉब इज़। सो बस फ्यूचर को थोड़ा सा सोचिए और प्रेजेंट में आग लगाइए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।